हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है माता पिता दिवस पर हिंदी भाषण। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापक गण, समस्त माता पिता और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। मैं तनिषा मिश्रा कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ। आज हम सभी यहाँ पर पेरेंट्स डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं आप सबके सामने एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज यह पेरेंट्स डे का दिन सभी माता पिता को समर्पित होता है। माता पिता दिवस हर साल जुलाई महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। यह दिवस सभी माता पिता के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन पहली बार सन 1994 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा मनाया गया था। हमारे जीवन में माता पिता का स्थान सर्वोपरि माना गया है। बच्चे इस दिन को अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी और उत्साह से मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को माता पिता के समर्पण के प्रति जागरूक करना होता है। माता पिता बच्चों के जीवन में बहुत खास होते हैं और उनसे बेहद प्यार और दुलार करते हैं। माता पिता हमारे पहले भगवान हैं, क्योंकि वे हमें दुनिया में लाते हैं। माता पिता को भगवान का रूप माना गया है। माता पिता बच्चों को ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत ही अनमोल उपहार है। बच्चों को भी अपने माता पिता को बहुत प्यार और सम्मान देना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों की खुशियों में खुश और दुख में दुखी होते हैं। माता पिता अपने बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाते हैं, उनके साथ खेलते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं। वे अपने बच्चों को हर तरह की सुख सुविधा देते हैं और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाते हैं। हमेशा उन्हें अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। वे अपने बच्चों को ऊंचाइयों को छूते हुए देखना चाहते हैं। माता पिता अपने बच्चों की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हमेशा बच्चों को अच्छे कर्म करके अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करना चाहिए। बच्चे हमेशा उनके पास सुरक्षित रहते हैं। वे अपने बच्चों को अनगिनत प्यार करते हैं। बच्चों को उनसे प्यार, सम्मान और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता दिवस के दिन बच्चे अपने माता पिता को फूल और उपहार देते हैं। यह दिन बच्चों को अपने माता पिता को प्यार और दुलार दर्शाने का बहुत अच्छा दिन होता है, जिससे इस दिन माता पिता को अच्छा महसूस होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम सबके माता पिता को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करें। मैं सभी माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।